नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज में नरेश शर्मा और देखिए आज दिन भर की खास खबरें। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को मारी गोली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के दो जवानों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी है। इस घटना में दोनों जवानों की मौत हो गई है। घटना मुर्शिदाबाद के जलांगी में हुई। दोनों जवानों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बंदूक उठा ली और एक दूसरे पर फायर कर दिया। इससे ठीक एक दिन पहले अमृतसर में भी आपसी विवाद के चलते 5 जवानों की मौत हुई थी। डीआईजी सुजीत सिंह गुलेरिया के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ठीक एक दिन पहले पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ हेडक्वार्टर में भी रविवार सुबह एक जवान ने मैस में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। बिहार में दिल दहला देने वाली ऑनर किलिंग। बिहार के गोपालगंज में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पसंद के लड़के से शादी की जिद पर परिवार ने बेटी को खौफनाक मौत दी। ऑनर किलिंग का यह मामला गोपालगंज के कोटवा गांव का है। मां कलावती देवी ने बताया, बेटी किरण 19 वर्ष की मशान थाना गांव के एक युवक से प्रेम करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। लड़का भी तैयार था, लेकिन किरण के पिता इंद्रदेव राम उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे। किरण जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। मां बेटी ने जान की भीख मांगने लगी, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। बेटी को पकड़ लिया। चाचा अमरदेव राम और बड़े पिता आराग्या राम ने हाथ पैर पकड़ा और पिता ने गला घोंट दिया। मौके पर ही किरण ने छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। आरोपी शव को उठाकर घर के पास खेत में फेंककर फरार हो गए। ऑनर किलिंग की सूचना पर सोमवार सुबह पुलिस गांव पहुंची। मां के बयान दर्ज किए गए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। और एनसीपी के नेता नवाब मलिक अब जेल जाएंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज शाम तक उन्हें ईडी की कस्टडी से मुंबई की आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री उस जेल में रहेंगे जिसमें पहले से कई खूंखार अपराधी कैदी हैं। 23 फरवरी को गिरफ्तार मलिक की ईडी कस्टडी को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कुछ देर पहले मेडिकल करवाने के बाद उन्हें अदालत में फिर से पेश किया गया था। अदालत में मलिक की आगे की कस्टडी को लेकर तकरीबन 20 मिनट तक बहस हुई। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पक्ष रखा, जबकि मलिक की ओर से अमित देसाई और तारक सैयद ने पैरवी की। और कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर में रविवार को आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 24 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के एसएमएसएच अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोमवार को हमले में घायल एक और मौत हो गई। मृतका की पहचान राफिया के रूप में हुई है। वह श्रीनगर के दरगाह हजरत बल की रहने वाली थी। आतंकवादियों ने श्रीनगर के अमीरा कदल बाजार के पास ग्रेनेड फेंका था। हमले का फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया। ब्लास्ट के समय बाजार में बहुत सारे लोग मौजूद थे। विस्फोट होते ही भगदड़ मच गई और एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। फिलिस्तीन में भारतीय एम्बेसडर मुकुल आर्य का निधन। फिलिस्तीन दूतावास में भारतीय राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया है। आर्य का शव रामलल्ला के दूतावास के हेडक्वार्टर में मिला। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने आर्य के निधन की जानकारी दी है। मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्य की मौत पर दुख जताते हुए उन्हें बेहतरीन अफसर बताया है। फिलिस्तीन नेतृत्व ने मुकुल आर्य के निधन पर शोक जताया है।
फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर रियाद अल मिल्की ने कहा, हम मुगुल आर्य के निधन पर शोक जताते हैं, वे एक बेहतरीन राजदूत थे। कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल जहूर मिस्त्री की कराची में हत्या। 1999 में IC-814 को हाईजैक करने में शामिल जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अंकोज की 1 मार्च को पाकिस्तान के कराची में हत्या हो गई। जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अंकोज दिसंबर 1999 में कंधार विमान अपहरण के 5 अपहरणकर्ताओं में से एक था। सूत्रों के हवाले से बताया है कि मिस्त्री 1 सालों से फर्जी पहचान के तहत कराची में रह रहा था। वह कराची के अख्तर कॉलोनी में फर्नीचर का काम कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई आतंकियों ने उसकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले पर दिल्ली में हमला। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले पर हमला हुआ है। हमले का आरोप आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। हालांकि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आपके इस आरोप को गलत बताया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अपनी सफाई में बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में छावला इलाके में लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की नई शराब नीति का विरोध किया था। इससे पहले आपने कई ट्वीट पर आरोप लगाया कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने जैन के काफिले पर हमला करने के लिए अपने गुंडों को तैनात किया, क्योंकि एहसास हो गया है कि वह आगामी MCD चुनाव हारने जा रही है। बाहरी दिल्ली में व्यक्ति ने पत्नी 2 साले व सलग समेत 4 को गोली मारी। सकूरपुर गांव के रविवार देर रात शख्स ने घरेलू विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों के हस्से से नाराज होकर अपनी पत्नी 2 साले व 1 सरज को गोली मार दी। अंधाधुंध फायरिंग में आरोपित की पत्नी व उसके दोनों सालों की मौत हो गई, जबकि घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुभाष पहले थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह आरोपित व उसके दोस्त को पकड़ लिया है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग महान गेंदबाज शेन वॉन को श्रद्धांजलि देते हुए एक इंटरव्यू में फूट फूट कर रोने लगे। वॉन का 52 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उन्होंने थाईलैंड में सामुई में अपनी आखिरी सांस ली। पोंटिंग वॉन के बहुत जिगरी दोस्त रहे हैं। पोंटिंग ने वॉन के बारे में कहा, दुनिया के अन्य लोगों की तरह मैं भी इस खबर को सुनने के बाद चौंक गया था। मैं यह सोचकर बिस्तर पर गया था कि मुझे अपनी बेटियों को नेटबॉल के लिए ले जाना है, लेकिन जब जागा तो सब कुछ बदल चुका था। इस खबर को पचाने में मुझे कई घंटे लगे। वॉन मेरे जीवन का अहम हिस्सा थे। मैं कभी भी उनसे बेहतर गेंदबाज के साथ नहीं खेला। बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार बिपाशा बसु। एक्ट्रेस बिपाशा बसु लंबे समय से मुंबई के बॉलीवुड से दूर हैं। अब हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में बिपाशा ने खुलासा किया है कि वे साल 2022 में ही अपने कई नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करने की प्लानिंग कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो बिपाशा की 6 साल बाद फिल्मों में वापसी होगी, क्योंकि वे साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म अलोन में नजर आई थी। हालांकि फिल्म के अलावा बिपाशा ने 2 साल पहले 2020 में रिलीज हुई वेब सीरीज डेंजर्स में आखिरी बार काम किया था। बिपाशा बसु ने स्वीकार किया है कि वे पिछले कई सालों में आलसी हो गई थी और काम करने के लिए ओपन नहीं थी। हालांकि बिपाशा 2022 में काम पर लौट रही हैं। आप देख रहे हैं खास न्यूज। आगे की न्यूज देखने के लिए जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।